क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई, चाय चलेगी? अच्छा जीभ दिखाओ। आ आ क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। जो बोलना था बोला था पिछली बार वीडियो में, सारी होप दे दी थी डिफेंस को कि तुम लोग जीत रहे हो, नो प्रॉब्लम, आराम से मैच देखो, बट चलो शुरू से शुरू करते हैं। देखो जब गेम स्टार्ट हुआ और 12 मिनट में रोड्रिगो ने गोल मारा, ठीक है, पता नहीं इसको कौन मार कर रहा था, एकदम से वाइड से आके गोल मार के चला गया भाई। सिटी डिफेंडर जो थे वो क्या कर रहे थे कुछ पता नहीं, एंड एक गोल मार रियल मैड्रिड, और पता नहीं रियल मैड्रिड जो थी क्या प्लान लेके आई थी कि क्या करना है, एक गोल मार लिए अब तो वो बस ये था कि अब एक गोल मार लिए अब बैठ जाएंगे बना के एंड ट्रांजिशन पे गेम खेलेंगे, और सिटी तो ट्रांजिशन में बहुत कमज़ोर है और इसी का फ़ायदा उठाएंगे। फिर गेम आगे जाता गया, हाफ टाइम होता गया, सिटी चांस पे चांस ले रही थी और स्पेसेस बना रही थी, कोशिश कर रही थी गोल कहीं ना कहीं से मिले, हालैंड जो है हकता जा रहा था एंड परफॉर्मेंस बेसिकली ठीक थी सिटी की, बट बात वही है कि इतने ज़्यादा पोजीशन लेके इतना ज़्यादा अटैक करके भी गोल आउटपुट जो था वो नहीं निकल पा रहा था, सब कुछ जान लगा डी ब्रूना भाई पूरी जान लगा रहा था, अकांजी क्या गेम दिखाया अकांजी ने, और सारे प्लेयर्स सब कुछ सही चल रहा था लेकिन गोल नहीं मिल रहा था। और फिर हो जाते हैं 65 मिनट आ जाता लगभग गेम का, अब भाई प्रेशर ज़्यादा बन रहा था क्योंकि रियल मैड्रिड सामने है, एक गोल उन्होंने और मार दिया फिर 70 मिनट लगभग हो जाएंगे, 20 मिनट में कमबैक करना फिर मुश्किल हो जाता मैड्रिड के सामने, और जिस तरह से कल डिफेंस था मैड्रिड का तो तब तो और भी मुश्किल हो जाता लगभग। हाँ 76 मिनट में डी ब्रूना का गोल आया था, और जब डी ब्रूना का गोल आया, केविन डी ब्रूना बिग गेम प्लेयर गोल मार दिया सांस पे साथ भाई। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, अभी तक जब तक डी ब्रूना का गोल आया इसके पहले मैं टेंशन में नहीं था, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था पिछले वीडियो में सिटी जीत रही है, और एक बात और बोला था अगर तुम वीडियो जाओगे देखने के तो मैं क्लिप लगा दूंगा इसमें, पेनल्टी शूट आउट में जाके जीतेंगे बस सिटी जीत रही है पॉसिबल, हालांकि ये गेम पेनल्टी तक तो नहीं जाने वाला, बहुत हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम पे जाएगा, पेनल्टी तक कोई गेम मुझे बिल्कुल कहीं से नहीं लगता कि पेनल्टी तक जाने वाला गेम, और ऐसे सिटी फैन मैं नहीं चाहता कि पेनल्टी तक जाए, सच में नहीं चाहता, आई डोंट बिलीव इन एडर्सन, बहुत अच्छा गोलकीपर है बट नहीं मैं नहीं चाहता, सिंपल कि पेनल्टी में बस एक ऐसा चांस है जब सिटी के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता, मैंने बोला था एडर्सन के ऊपर बिलीव मैं नहीं करता, बाकी जो उन्होंने सिटी ने 120 मिनट खेले उसमें मुझे पूरा विश्वास था सिटी नहीं हारने वाली है, मतलब चिल था, लेकिन पेनल्टी में भाई बीपी हाई, पेनल्टी में मैं पेनल्टी भी जब मैं देख रहा था ना तो ये जो पीछे मूर्ति तुम देख रहे हो ना मूर्ति को देख रहा था मैं, वीडियो देख ही नहीं रहा था क्या हो रहा है, बाद में देखता था जब स्कोर हो जाती थी किसी से मिस हो जाती थी बाद में, जब पेनल्टी आ रहा है प्लेयर लाइव मारने जा रहा है तो मैं मूर्ति को देखता था ना कि टीवी मोबाइल में मैच देख रहा था। सो वो बात करते हैं आगे, और डी ब्रूना फिर गोल मारता 76 मिनट में और सिटी फिर वहाँ से फ्लो में आती है, एंड देन जो 76 मिनट से लेकर 90 मिनट का जो गेम था सिटी का कमाल का गेम था, और मैड्रिड मतलब उस जो 15 मिनट हो ना उस 15 मिनट में रियल मैड्रिड की फट के चार हो रखी थी, तुम किसी भी मैड्रिड फैन से पूछो और प्लेयर्स की तो तुम हटा दो, फैन से जाकर पूछोगे तो उनके गोटे जो थे मुँह में थे, ऐसा लग रहा था कि सिटी यहीं से गेम निकाल लेगी, और उसी 15 मिनट में फोर्टिंग का एक चांस मिस होता है, टैपिंग उसी 15 मिनट में आता है आई थिंक, हाँ या तो पहले आया था मुझे नहीं पता, बट उसी 15 मिनट में मुझे ये पता है कि डी ब्रूना एक चांस मिस करता है, डी ब्रूना का हटा दो तो हालैंड एक बार फिर से हक दिया प्लेयर ने, मैं सोच रहा था कॉन्फिडेंस लेके आया हालैंड कुछ ना कुछ करेगा, हाँ ऐसा दिख भी रहा था जब स्टार्टिंग मैच हुआ था तो एरियल बॉल को अच्छा खासा ले रहा था, ऐसा लग रहा था आज तो गोल मार के रहेगा, हेडर में उसकी पावर आ गई थी और ज़्यादा ऐसा सैंटियागो बर्नाब्यू से बहुत ज़्यादा पावर आ गई थी यहाँ पे, बट वो मुझे बस ऐसा लग रहा था, असल में वो था या नहीं था वो मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि रिजल्ट तो अपने को दिखा नहीं हालैंड से,
मैं तुम्हें बताता हूँ कितने चांस मिस हुए सिटी के। फोर्डन का टैपिंग, सिंपल टैपिंग का और कोई भी टीम होता इस साल जिस तरह से फोर्डन जिस तरह के फॉर्म में है, फोर्डन वो गोल स्कोर करता, लेकिन यहाँ पे नहीं किया। बस एक मतलब एक सही कनेक्शन होता बॉल पे फोर्डन का, गोल। डिब्रूना का डायरेक्शन मिल जाती बॉल पे, गोल। हालैंड, हालैंड का हेडर रहता है वेलिंगम के साथ से टकरा के बाहर चला जाता है, बताओ। एंड हालैंड का एक आई थिंक वो लास्ट शॉट था, 90 मिनट कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद बॉल आती है एंड हालैंड को उस बॉल को टच करना रहता है और किस वो शायद से उसके पैर थाई में बॉल छू जाती है और बाहर चली जाती है। वो अगर टच कर लेता हालैंड, वो हालैंड ऐसा प्लेयर है जो ऐसे गोल मार सकता है, बट नहीं, वहाँ पे भी कुछ नहीं हो पाया। एंड सिटी, मैं 120 मिनट का बताता हूँ, 9 शॉट्स ऑन टारगेट, रियल मैड्रिड 3 शॉट्स ऑन टारगेट, एक गोल मारती, 9 शॉट्स ऑन टारगेट लेके सिटी सिर्फ एक गोल मारी, 2.5 एसजी कुछ ऐसे था सिटी का। और ये स्टैट्स जो है यही तुम्हें बताते हैं कि रियल मैड्रिड कैसे टीम कम से कम चांसेस में ज़्यादा से ज़्यादा गोल मारते हैं, ज़्यादा बच्चों दियापन नहीं करते हैं कि 10 चांसेस बन रहे, 10 शॉट्स ऑन टारगेट लगा रही है टीम सिटी जैसे फिर एक गोल, ऐसा नहीं है रियल मैड्रिड, सिंपल। बट लोनी, वॉट अ गेम भाई, द गेम उसने सेव कर लिया भाई, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस फ्रॉम रोलिंग, एंड मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भाई, गजब का परफॉर्मेंस। बर्नार्डो सिल्वा की अगर तुम पेनाल्टी देखे होगे, वो जो पने का मारने की कोशिश कर रहा था, वो पेनाल्टी पक्का स्कोर होती भाई, वो पेनाल्टी मिस नहीं हो सकती, क्योंकि इस मोमेंट में इस प्रेशर में बहुत कम ही गोलकीपर होंगे जो मूव नहीं करते, डाइव नहीं मारते, सब मार देते। बट लूनिंग वहाँ पर ड्राइव नहीं मारा और बर्नार्डो सिल्वा वहाँ से पेनाल्टी मिस किया, सिटी का कॉन्फिडेंट और सब टूटा। फिर किसने मिस किया मुझे नहीं पता भाई। एंड रियल मैड्रिड भाई, मैंने बोला था पेनाल्टी, इसलिए मैंने वीडियो में पिछली वाली वीडियो में बोला था कि पेनाल्टी में मैं कॉन्फिडेंस फील नहीं करता सिटी के ऊपर, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि पेनाल्टी जब होती है ना तो फिर गेम बेसिकली किसी का भी हो सकता है, ऐसा तुम समझ सकते हो, लेकिन 50-50 गेम नहीं होता। जैसे रियल मैड्रिड और सिटी खेल रही है पेनाल्टी में, तो 60% चांस है कि रियल मैड्रिड जीतेगी, 50% चांस है कि सिटी जीतेगी, ये मतलब ऐसा कि क्लोज होता है ना। तो पेनाल्टी एक ऐसी चीज़ है क्लोज होती है, बट फिर भी एक टीम का जो जीतने के चांसेस वो हमेशा ज़्यादा, जैसे यहाँ पे रियल मैड्रिड के चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि तुम ये देखो ना कि रियल मैड्रिड चाहती भी थी, अगर तुम वो जो लास्ट के जो 15 मिनट थे तुम देखे होगे, तो रियल मैड्रिड नहीं चाहती थी भाई कि हम 15 मिनट के लिए, पूरा थके हुए थे, भागा नहीं जा रहा था, बेलिंगम एडर्सन के ऊपर लेट गया था, नहीं भागा जा रहा था उनसे। सिटी के पास थोड़ा बहुत एनर्जी बची थी, उसको कन्वर्ट करने की पूरी जान लगा दी भाई, फोर्डन एनर्जी दिखाना चाहता था, डोकू नया नया आता था, बट भाई बट रियल मैड्रिड के पहले एनर्जी कम हो, लेकिन पता नहीं उनके पास क्या था कि उसके बाद भी क्या था रियल मैड्रिड के पास, जानना चाहता हूँ। और फिर ये सब होता है, मैड्रिड सिटी को ले जाती है पेनाल्टी में, जी हाँ ले जाती है चुतिया बना के, और फिर सिटी का चुतिया पकड़वा देती है पेनाल्टी में, जीत जाते हैं, सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं, सारे ऑड्स खिलाफ जाके जीत जाती है। बट अब जो है सेमीफाइनल, बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड, जी हाँ बायर्न वाला जो गेम था, जो आर्सेनल और बायर्न का था, वो गेम तो भाई मैं अच्छे से नहीं देख पाया इतना ज़्यादा, बट किमिश का कमाल का हेडर भाई, पता नहीं हेडर था, पहले तो मैं देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो बॉली थी, फिर मैं देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था बहुत ऊपर से तो मारा है, तो कैसे बॉली हो सकती है, देन मैं रिप्ले में देखा तो हेडर था, बहुत पावरफुल हेडर था, और बायर्न जीत गए जैसे तैसे करके, मैं अच्छे से गेम देखा नहीं बायर्न वाला, जैसे तैसे करके जीत गए भाई। और यहाँ पे उनका जो है बूस्ट मिला, उनकी मेंटालिटी जो काम आई और एक्सपीरियंस जो काम आया, टुकेल भी काम आया होगा, मुझे नहीं पता टुकेल ने क्या किया इस गेम में, क्या उसका इन्वॉल्वमेंट था, जो आर्सेनल हार गई अनएक्सपीरियंस, और यूरोपा के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं है, और मैंने बोला भी था एक वीडियो में। सो आर्सेनल दिखाती हुई कि हम जैसे हैं वैसे, और यहाँ पे तो इन्होंने बॉटल यहाँ पे भी कर दिया आर्सेनल ने, और प्रीमियर लीग भी नहीं जीत पाएंगे, पता नहीं क्या होगा आर्सेनल का, देखते हैं। अच्छा खासा सीजन जाना चाहिए था, और फेलियर भरा सीजन मैं देख
जाते हुए देख रहा हूँ। और एक बार और फेरे भाई के नहीं सह पाएंगे भाई आर्सेनल फैंस। आर्सेनल फैन के लिए सहना बहुत मुश्किल होगा अगर यहाँ से आर्सेनल मॉर्टल कर देती है प्रीमियर लीग भी तो। एंड नाउ सेमीफाइनल जो होगा भाई वो क्या कमाल का सेट हुआ है। क्वार्टर फाइनल तो हम लोग ने इतना ज़बरदस्त देखा ही, पर मैच 4 गोल्स लगभग कुल मिला के जो 8 मैचेस में 32-33 गोल देखने को मिल गए, पेनाल्टी भी देखने को मिल गई, सब कुछ प्योर इंटरटेनमेंट देखने को मिला, सब कुछ मिल गया भाई। बेस्ट क्वार्टर फाइनल मतलब मुझे नहीं पता, मैं तो अभी कुछ सालों पहले ही फुटबॉल देखना स्टार्ट किया हूँ, जो बहुत पहले के फुटबॉल फैंस होंगे जो कि 20-15 साल 10 साल पहले के जो फुटबॉल फैंस होंगे, क्या वो अब तक कभी ऐसा क्वार्टर फाइनल देखे हैं? मैं सिर्फ एक मैच की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब 4 के 4 मैचेस जो हों ब्लॉकबस्टर हों, हाइप भी बनी हो और उस पर खड़े भी उतरे, ऐसा क्या आप लोगों ने कभी देखा है बताना मुझे? लेकिन मैं तो कभी देखा नहीं हूँ, चलो हटाओ मैं देखा भी नहीं हूँ, सुना भी नहीं हूँ, कभी देखा सुना कुछ नहीं हुआ। बेस्ट क्वार्टर फाइनल मैंने देख लिया है, आई एम डन। और अब सेमीफाइनल की बारी है, देखते हैं सेमीफाइनल कितना अच्छा होता है। सेमीफाइनल अच्छा होने वाला है पूछो क्योंकि एक तरफ भाई यूरोपियन रॉयल्टी बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड दोनों हंगरी हैं जीतने के लिए, एक के पास 14 UCL है, एक के पास 6-7 UCL है, लेकिन हंगर दोनों पे बराबर है, दोनों चाहते हैं यहाँ से जीतना, दोनों चाहते हैं। और एक तरफ डॉर्टमुंड वर्सेस PSG, दोनों ने अभी तक नहीं जीता है, दोनों चाहते हैं जीतना अपना पहला UCL, एम्बापे चाहे पहला UCL जीतना, एंड डॉर्टमुंड चाहेगी कि मार्को रोस यार जिताओ, यार जिताओ मार्को रोस को पहला UCL भाई, वो डिसर्व करता है बंदा वो। बट देखते हैं होता क्या है, ये सब तो अभी बाद में बात करेंगे कि सेमीफाइनल का क्या रिएक्शन होगा मेरा, उस समय बाद में बताऊँगा रिव्यू भी सब। लेकिन अभी बात करते हैं बार्सिलोना वाले गेम की। बार्सिलोना वाला गेम क्या गेम था भाई, डेम्बेले 2019 का याद हो रही, वो लिवरपूल से जब तुम लोग हारे थे वो याद तो मिटा नहीं पाया अभी भी फैंस, और अब एक नई याद उसमें ऐड कर लो, वो है PSG वाला। जी हाँ, वहाँ पे आप एनफील्ड में जाके आ रहे थे, यहाँ पे खुद के घर में ही पेल दी PSG, वहाँ पे हगा था डेम्बेले ने, यहाँ पे भी हगा डेम्बेले ने, बस अंतर ये है कि पिछली बार तुम्हारे साथ ही हगा था, मतलब तुम्हारे क्लब पे साथ में ही हगा था, इस बार सामने से आके आके चला गया, मतलब बेसिकली है तो सेम ही, बट थोड़ा सीनियर बस चेंज हो गया, टीम का फर्क हो गया, बट हक तो दिया डेम्बेले ने एक बार फिर से। और क्या भाई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डेम्बेले के लिए जो है स्टेडियम जो होगा वो हेल होगा, बट डेम्बेले फील्स लाइक ये हेवन है। जी हाँ, जिस तरह से डेम्बेले कंफर्टेबली खेल रहा था, जिस तरह से डेम्बेले की वो जो स्माइल थी भाई, तैयार कि वो अपने घर में खेल रहा, क्या सांप था भाई वो कोई तुम्हारा प्यारा प्लेयर मैसी नहीं था कि मैसी PSG में गया हो फिर तुम्हारे बार्सिलोना में आके खेल रहा हो, मैसी नहीं था वो, डेम्बेले था भाई। भाई क्या हो रहा है यार फुटबॉल में, क्या हो रहा भाई, डेम्बेले जैसे क्या क्या गाली दो साले को भाई, डेम्बेले जैसे अब तुम समझ जाओ, ऐसे बंदे जो हैं हंसते हैं, मतलब उनको बेसिकली उनसे ज़्यादा टॉर्चर जो है और प्लेयर्स सहते हैं, अगर तुम देखो तो अनडिजर्विंग है बेसिकली, मैं ये कहना चाहता हूँ। डेम्बेले को यार ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया भाई, फैंस क्या कर रहे थे, कैसे हटा दो सब, क्या अब बात करने से कोई मतलब नहीं, वो सब हटाओ, बट डेम्बेले को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया कुल मिला के। मेरे कहने का मतलब ये है, डेम्बेले भाई मजे में मैन ऑफ द मैच लेके चला गया, मुंह से निकाल के चला गया, बार्सिलोना को कचर के चला गया, कुछ नहीं कर पाया। और ज़ावी का भाई लास्ट गेम एज अ कोच सही नहीं गया है, लेजेंड और हमेशा लेजेंड रहेगा, जिन्होंने फॉलो किया बार्सिलोना को पहले समय से, जिन्होंने ज़ावी का गेम देखा है और ज़ावी की जो ज़ावी का बेसिकली रहा है उसको देखा है, दे ऑलवेज रिस्पेक्ट ज़ावी, वो तो बस ज़ावी का समय नहीं था सही यहाँ आने का, गलत समय में आया, बहुत सारी चीज़ें उसने सेक्रीफाइस की, और ज़ावी जैसा कोच तुम लोग को शायद ही मिल पाए, हम लोग सब चाहेंगे कि अच्छा कोच मिले इस बार, बार्सिलोना ग्रो करें, बस ज़ावी इज समथिंग डिफरेंट, यू कांट रिप्लेस हिम। सो मैच क्या जबरदस्त रहा भाई PSG वाला भी, और एम्बापे 2 गोल
भाई 4-2 से आगे थी बार्सिलोना, वहाँ से पीएसजी का कमबैक बार्सिलोना के घर में ही भाई फिर से टूट गई बार्सिलोना। पिछली बार टूटी थी सेमीफाइनल में 2019 में लिवरपूल के खिलाफ, और देन इस बार थोड़ा होप और जगी नहीं कि फिर से टूट गई बार्सिलोना। तो इनका ऐसा ही भाई बार्सिलोना का, आगे तक जाते हैं हम लोग बहुत होप बना लेते हैं एल क्लासिको को फाइनल, फाइनल में बार्सिलोना जा रही है, वेम्बले में ट्रॉफी आती रहती है बार्सिलोना के हाथों में, फिर से आएगी ये सब वो सब, बट अंतिम में बहुत भयंकर तरीके से हो क्यों है टूट जाती है, तो फिर भाई आंसू ही आते हैं और क्या आएंगे। फिर एक बात और, एक बात और भाई, कितना पैसा दिए थे साले रेफरी को, कितना पैसा दिए थे पीएसजी वाले ऑयल मनी में थे, कितना पैसा दिया गया था उस रेफरी को, वो साला भाई बकवास बकवास भाई, ऐसे भाई टू टैक कार्ड बांट रहा है। मैं ये डिबेट नहीं कर रहा हूँ किसका येलो कार्ड था, किसका रेड कार्ड था, अराओ का वो जो था रेड कार्ड था वो हटाओ, वो होगा होगा ठीक है वो अलग बात है, बट तुम अगर देखे होगे मैच, ये कोई बार्सिलोना, मैं वो नहीं बन डिफेंड नहीं कर रहा हूँ बार्सिलोना को कि वो ये हार गए इसके बाद, नहीं नहीं बार्सिलोना हारना डिजर्व करती थी, मैंने अपने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था बार्सिलोना हार जाएगी, पीएसजी जीत जाएगी, ठीक है वो अलग चीज़, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ऐसे रेफरिंग हम लोग को किसी को नहीं पसंद है, एक फुटबॉल फैन जो है वो ऐसे रेफरिंग कभी नहीं देखना चाहता, ये सब बेकार चीज़। अब जैसे ब्लू कार्ड आने वाला है, ग्रीन कार्ड, पता नहीं क्या क्या आने वाला है, ये सब हम लोग को नहीं पसंद ना, बस यही तो, ये सब नहीं पसंद है भाई। गलीच फुटबॉल खेलने देखने में मज़ा आता है कभी कभी, बकवास रेफरिंग हुई है मैं बता रहा हूँ, बार्सिलोना भले अपनी वजह से हारी हो लेकिन रेफरिंग बकवास हुई है, भले रेफरिंग की वजह से ना हारी हो बट भाई ये बकवास रेफरी था, मैं बता रहा हूँ कैंसिल हो भाई कैंसिल हो, तू साले यहाँ से भी बात करके गया, बैन गया अनसक्सेसफुल, तेरे को पेल के हम पेले थे हम लोग बैन में याद हो क्वार्टर फाइनल में, कैंसिल हो की टीम को बार्सिलोना साले गया ये करके हाइप बना के ये सब वो, भाई कैंसिलो ने तुम्हें हरा दिया भाई, बकवास परफॉर्मेंस भाई कैंसिल हो, भाई कैंसिल किसी काम का डिफेंडर नहीं भाई, उसको बस पता नहीं क्या करता है बार्सिलोना में, स्टाइल मारेगा ये करेगा वो करेगा भाई, डिफेंस के अलावा उसको कुछ भी करवा लिया बड़े मैचेस में वो सब कर देगा, हाँक देगा बड़े मैचेस में भाई कैंसिल हो, कैंसिल हो भाई बहुत बेकार परफॉर्मेंस में बताऊँगा भाई कैंसिल हो से भाई, नो 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 भाई कैंसिल हो को भाई भगाओ, इसको छोटे क्लब में डालो किसी, बता रहा हूँ तभी ये सुधरेगा, अगर सुधरना होगा ये भाई ये ना सुधर रहा है बता रहा हूँ भाई, बकवास डिफेंडिंग हुई। और अराओ का जो रेड कार्ड था वो भी एक फैक्टर बन सकता है कि जिसकी वजह से बार्सिलोना हार गई, बट तुम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते भाई, हार गए तो हार गए, तो पता है कि अभी बार्सा उस लेवल के लिए रेडी नहीं है, अभी इसको बहुत समय लगेगा, काम करना होगा अच्छे से काम करना होगा, मेंटालिटी दिखानी होगी, पर्सनैलिटी दिखानी होगी, चेंज लाना होगा बार्सिलोना पूरे क्लब में है ना, ज़्यादा इमोशंस में बह के काम नहीं बनने वाला भाई, तुम्हें प्रैक्टिकली सोचना होगा और तब जाके बार्सिलोना को हम लोग देखेंगे कि सेमीफाइनल पहुँचे बार्सा है ना, बाकी उम्मीद तो हम लोग हमेशा कर लेते हैं कि बार्सा पहुँच ही नहीं कि क्वार्टर फाइनल तो ले भाई, अब तो जीत गए बार्सिलोना इस बार यूसी, अब तो आ गया तो हर पंद्रह वाला उसी का ऐसा भाई, ऐसा नहीं होता है यार, बहुत हिम्मत चाहिए, रियल मैड्रिड भी उस टूर्नामेंट में रहती है, तो पहले तो जाओगे कभी मैन सिटी से पहले जाओगे, बायर्न से पहले लोगे, बयान से भी मैन सिटी बयान से बच गया तो फिर रियल मैड्रिड तुम्हें खेल देगी, तो रेडी हो और बदलो टीम को भाई प्रैक्टिकली, अब देखते हैं कौन कोच आता है नया, कौन कोच करता है बार्सिलोना को, बट आई डोंट लाइक भाई कैंसिलो, अब नहीं भाई, एक समय मेरा फेवरेट प्लेयर हुआ करता था बट अब नहीं है, अब नहीं, मैं चाहता हूँ वो एक बार कम बैक करे, अपना परफॉर्मेंस दिखाए, और मेरे खुद मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे को वो प्लेयर कतई ही पसंद नहीं है जो अपने नेशनल टीम अपने कंट्री के लिए परफॉर्म नहीं करता है और क्लब में वो अपने अल्ट्रा प्रो लेवल परफॉर्म करता हो, तुम बोलो केविन डी ब्रुइन तेरा फेवरेट प्लेयर है, तो केविन डी ब्रुइन भी तो कंट्री के लिए परफॉर्म नहीं करता, क्लब के लिए क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है, गॉड लेवल परफॉर्मेंस देता है, सो मैं ये कहना चाहूँगा भाई मैंने देखा केविन डी ब्रुइन को कंट्री में भी देखा क्लब में देखा, क्लब में तो कोई बात नहीं पूरी दुनिया उसको एडमायर करती है, कंट्री में नहीं करती बट मैंने उसको कंट्री के लिए खेलते हुए देखा है बेल्जियम के लिए, कभी बात करेंगे इस बात में, बट कंट्री के लिए भी डी ब्रुइन जब खेलता है तो मेरे को फील बहुत बहुत आई फील वेरी गुड, मैं उसको देखना पसंद करता हूँ कंट्री के लिए भी, कंट्री के लिए भी वो सब कुछ करता है बट कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, समझ रहे हो, बाकी
एंड देखो प्लेयर सब चाहते हैं परफॉर्म करना कंट्री से, बट नहीं कर पाते किसी वजह से। और कई प्लेयर ऐसे होते हैं जो शायद कंट्री के लिए जितना मतलब जो जोश रहता है उनके कंट्री के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत क्लब के लिए रहता है। मतलब अगर इतना जोश होंगे कंट्री के लिए तो इतना क्लब के लिए रहता है, बिकॉज ऑफ मनी, वो पैसा चाहते हैं, फेम चाहते हैं, ये सब। बट यार मुझे कैंसिल हो, मैं चाहता हूँ बस कैंसिल हो। मेरी पर्सनल दुश्मनी हो गई जब से उसका विवाद हुआ सिटी में। अब मैं सिर्फ कैंसिल हो से इतना चाहता हूँ कि यूरो आने वाला है, पोर्चुगल को मदद कर भाई, रोनाल्डो को जितवा यूरो। बस अगर रोनाल्डो को जितवाने में इसका हाथ रहता है, पोर्चुगल को दिखाने में जितवाने में इसका हाथ रहता है, रोल रहता है, सो भाई तब मैं कैंसिल हो को पसंद करना स्टार्ट कर दूँगा, देखना स्टार्ट कर दूँगा। अदरवाइज कैंसिल हो अभी मेरे को ना पसंद भाई, अब ना पसंद। और देन फिर बात करें भाई डॉर्टमुंड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड वाले गेम की, व्हाट अ गेम भाई। मैंने उम्मीद नहीं की थी ये इतना अच्छा गेम होगा, मैं सच बता रहा था एक ठीक था गेम होगा मुझे ऐसा लगा था, बट यूसीएल भाई 4-4 गेम्स, 2-2 लेग, 1-1 भयंकर गेम है यार। मतलब कुछ नहीं बचा यूसीएल ने बोल दिया ले भाई प्राइम फुटबॉल देख, किसको कहते हैं यूसीएल ने सब प्राइम फुटबॉल दिखा दिया। कमाल के दोनों गेम्स, सॉरी डॉर्टमुंड और एटलेटिको मैड्रिड वाला कमाल का गेम है यार। स्कोर लाइन क्या थी, 5-6 थी। और भाई क्या चल रहा था, पहले एटलेटिको मैड्रिड ने गोल मारा, नहीं डॉर्टमुंड ने 2 गोल मारा, फिर एटलेटिको मैड्रिड ने 1 गोल मार के ड्रॉ किया, एंड देन डॉर्टमुंड 2 गोल मार ली, ऐसा ही कुछ हुआ था। और कमाल का गेम, कमाल का गेम। और डॉर्टमुंड को मैं चाहता हूँ भाई फाइनल पहुँचे भाई, इस बार वो फाइनल पहुँचेंगे तो ज़्यादा उम्मीद होगी उनकी जीतने की। बस उस कैसे भी करके पीएसजी को हराएं, क्योंकि सेमीफाइनल तो वो पार कर लेंगे फिर फाइनल पहुँचेंगे, तो ऐसा होगा कि एक स्टेप बस हम दूर हैं, तो फिर ज़्यादा हंगर होगा, ज़्यादा एनर्जी आएगी और जीतने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। बट सेमीफाइनल में 2 लेग जीतना होगा कुछ भी करके, वरना फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा अगले साल से डॉर्टमुंड को। और उनके जो फैंस हैं वो डिज़र्व करते हैं, मार्को रोस डिज़र्व करते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स डिज़र्व करते हैं, क्लब डिज़र्व करता है चैंपियंस लीग जीतना। जीते भाई, आई सपोर्ट, फुली सपोर्ट टू डॉर्टमुंड। अब कौन ही बचा, किसको सपोर्ट करूँगा, मैड्रिड को भी ना करूँगा और बायर्न को भी क्यों करूँगा, क्योंकि आई हेट टुखेल। मतलब मैं टुखेल को पसंद नहीं करता, अदरवाइज मैं बायर्न को शायद सपोर्ट कर रहा होता, बट टुखेल को मुझे नहीं पसंद। एंड देन पीएसजी भाई बिल्कुल नहीं पसंद है पीएसजी। एक समय थी पसंद, अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, बट जो मैंने देखा है मेसी के साथ होते हुए पीएसजी में, आई हेट पीएसजी। बिल्कुल नहीं भाई, पीएसजी नहीं जीतनी चाहिए, बिल्कुल नहीं जीतनी चाहिए, कोई भी जीत जाए पीएसजी नहीं जीतनी चाहिए, सिंपल एज दैट। बस और कुछ नहीं। और बात करते हैं सिटी और रियल मैड्रिड वाले गेम की भाई। काइल वॉकर, अगर कल काइल वॉकर ना होता, मैं बता रहा हूँ, मैड्रिड 90 मिनट के पहले ही जीत जाती, सारी होप ख़त्म कर देती है फर्स्ट हाफ में ही, है तो फिर 60-70 मिनट में, बता रहा हूँ भाई। क्योंकि मैड्रिड के पास जिस टाइप का पेस है ना, मैन सिटी किसी भी प्लेयर के पास नहीं है। रॉड्रिगो अगर मैड्रिड से रन लगाएगा ना, तो भी मैन सिटी का कोई प्लेयर उसको टच नहीं कर पाएगा डिफेंस में। और सोचो बिनी जब लगाया तब क्या होता होगा सिटी का। काइल वॉकर ने कल बचा लिया सिटी को, जो होप थी वो जिंदा रखी थी काइल वॉकर ने, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने जहाँ तक देखा भाई, अगर तुमने एक वो देखा हो जब वो विनी आगे निकल जाता है वॉकर से, सोचो विनी जैसा यंग प्लेयर, वो अगर एक बार किसी भी प्लेयर के आगे निकल जाए 99% चांसेस है वो रेस बिन करके गोल मार देगा। बट काइल वॉकर भाई क्या डिफेंडिंग, विनी आगे निकल गया, काइल वॉकर भाई इंजरी से बैक आया, पहला ही मैच खेल रहा है, प्रेशर सिचुएशन थी, काइल वॉकर गया और क्या किस तरह से विनी को डिफेंड किया, तुम लोग देखे होगे, अगर मैं क्लिप लगा दूंगा यहाँ पे, कमाल का डिफेंड, मतलब कोई येलो कार्ड नहीं, कोई फाउल नहीं, दिस इज काइल वॉकर फॉर यू। काइल वॉकर ने बचा लिया भाई, वॉकर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया मेरे हिसाब से, उसने भाई डिफेंस को बचाया है, वरना रियल मैड्रिड भाई ख़त्म कर देती हो मैन सिटी का पहले ही। भाई अगर तुम देखे हो जब वो वाला मैच हुआ था, जब पहला सीजन जब मिरेकल किया था मैन सिटी के ऊपर मैड्रिड ने, तब भी काइल वॉकर अगर उस गेम में होता, क्योंकि काइल वॉकर चला गया था, फर्नांडिनो आया था, फिर उसके बाद से हम टूट गए थे, बिखर गए थे। जब जब काइल वॉकर रहा है तब मैड्रिड इतने चांसेस नहीं बना पाई, मैड्रिड इतने गोल नहीं मार पाई, जब जब काइल वॉकर फील्ड में रहा है, जब जब काइल वॉकर फील्ड में रहा है, तब तब विनी पॉकेट हुआ है, काइल वॉकर की पॉकेट में रहता भाई विनी, हमेशा की बात है भाई, विनी हार गया वॉकर से,
टोटली हार गया भाई। तुम अगर बॉकर का परफॉर्मेंस देखते आ रहे हो, जितने बार भी विनीसियो मिला भाई हमेशा हर एक रेस जीत जाता है। और मैं पिछले साल की मैं क्या ही बात बताऊँ, पिछले साल तो हम सब ने देखा जिस तरह से काई बॉकर ने विनी को डिफेंड किया था। ओ मैन, प्योर डिफेंडिंग। एक डिफेंडर को ऐसे क्लिप देखनी चाहिए, बॉकर की क्लिप देखनी चाहिए कि कैसे डिफेंड किया जाता है भाई। कमाल की डिफेंडिंग भाई, अनरियल डिफेंडिंग थी पिछले साल। उसके पिछले साल भी अगर वो फुल मैच खेलता होता, ऐसी कुछ इंजरी की समस्या ना होती कॉयल बॉकर भाई, वहाँ पे भी विनी को अच्छे से डिफेंड कर पाता। और इस बार भी पहला लेग जब कॉयल बॉकर ने नहीं खेला तब हम तीन गोल खा गए थे, एंड इस लेग में आए कॉयल बॉकर और हमें लिटरली बचा लिया मैं कहूँगा, वरना हम तीन गोल खा लेते, दो गोल तो मिनिमम खाते ही खाते। कॉयल बॉकर ने हमें लिटरली बचाया। कॉयल बॉकर ऑन्स विनी, मैं बता रहा हूँ कॉयल बॉकर इज द डिफेंडर भाई, आई लाइक माई कॉयल बॉकर। उसके जैसा फुल बैक जो है ना, कॉयल बॉकर जैसा फुल बैक अभी नहीं है भाई, अभी कोई उससे अच्छा नहीं है। मतलब अगर डिफेंसिव टर्म्स में बात की जाए ना, बाकी अटैकिंग में रहा एक से एक भरे हुए हैं अच्छे अच्छे फुल बैक, बट कॉयल बॉकर भाई कमाल का प्लेयर है। तो एक और भी मैं पॉइंट शेयर करना चाहूँगा कि सिटी यार देखो, मैं सुना था, मुझे कोई बता रहा था आई थिंक कि रोड्रिगो जो है वो मैच की बात कहता है कि पेनल्टी में रियल मैड्रिड लकी थी। सो इस पॉइंट में मैं ये कहना चाहूँगा भाई, लकी नहीं थी, लकी तुम हटाओ, लकी तो पहले 120 मिनट में एक बार के लिए तुम लक कहो तो चलेगी, पेनल्टी में तो बिल्कुल लकी नहीं थे। और 120 मिनट तुम लक के कहते हो, अब लक के डिफिनेशन तो हम लोग समझते हैं। यहाँ से मैं तुम्हें बताता हूँ कि लक, चांसेस लेना, ये सब मतलब लक वो जो चीज़ें सब फ्रॉड है फुटबॉल, मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल। सिटी ने चांसेस किए, फोर्डन, डेब्रून, हालन हग दिया, प्योर हगाई किया हालन ने। सो अगर तुम इसको बोलते हो लक है, रियल मैड्रिड का लक है कि ये इन्होंने स्कोर नहीं किया, और सिटी का मतलब लक है कि बैड लक है कि सिटी ने स्कोर नहीं किया, भाई तुम क्या समझ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। देखो फुटबॉल इज ऑल अबाउट गोल, फुटबॉल पहले यहाँ पे ये फुटबॉल हो गया और जस्ट उसके नीचे गोल आता है। फुटबॉल का दूसरा मतलब गोल, ऐसा समझो तो फुटबॉल फिर गोल, सीधा फुटबॉल का दूसरा मतलब गोल। तुम कितना भी ड्रॉ खेलो, तुम कितना भी अच्छा डिफेंस कर लो, कब तक ड्रॉ खेलो, कब तक डिफेंस करोगे भाई? पेनल्टी शूट आउट तो आएगी ना 120 मिनट बाद, तब तो तुम्हें गोल तो कैसे ना कैसे मारना ही है, अंतिम में गोल ही तुम्हें रिजल्ट देगा, ये तो पक्का है। बिना गोल के तुम रिजल्ट कभी नहीं पा सकते, कितना भी अच्छा गेम खेलो, कुछ भी खेलो। सिटी बहुत अच्छा गेम खेली, सिटी ने एक बार फिर से मास्टर क्लास दिखाया, पेप गार्डियोला ने दिखाया है कि इतनी भयंकर डिफेंस को, रियल मैड्रिड की इतनी भयंकर डिफेंस को कैसे खोला जाता है, वहाँ पे कैसे स्पेस बनाया जाता है। डोकू भाई, हैंड्स ऑफ डोकू, बहुत भयंकर परफॉर्मेंस। डोकू ना होता तो शायद ये मैच हम 1-0 से ही आ जाते, वो और भी दुखदायक होता। डोकू ने दिखाया बहुत कमाल का प्लेयर है डोकू, बट सब कुछ हटा दो, आपको चांस मिला, आपने गोल स्कोर नहीं किया, क्या लग भाई, इसको क्या लक कहेंगे तुम ये बताओ? एक चांस भी नहीं, डिब्रून का चांस, फोर्डिंग का चांस, हालैंड के चांस, और पता नहीं बीच में किसको किसको चांस मिले होंगे, गोल स्कोर नहीं कर पाए हो आप, इसको क्यों लक बोलते हो? किस मतलब फैक्टर से ये लक है? बार बार यही चीज़ें करते हो, फाइनल में वो जो फाइनल हुआ था, उसके बाद जो चेल्सी से तुमने फाइनल खेला था चैंपियंस लीग में, उसमें लक, फिर सेमीफाइनल खेला रियल मैड्रिड से, उसमें लक, हमेशा लक नहीं है यार, ये पागलपन है। सिंपल फुटबॉल है, गोल मारो जीत जाओ, सिंपल। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है टैक्टिक सही होना है, ये सब चीज़ें ठीक है, बट एक बार के लिए सोचो, फुटबॉल सिंपल नहीं है। इजी सिंपल अलग शब्द है, इजी मत सोच लेना, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, फुटबॉल सिंपल नहीं है, गोल मारो जीत जाओ। रियल मैड्रिड जिस तरह से खेलती है, रियल मैड्रिड को तो अगर तुम कभी देखोगे, सोचोगे कैसे खेलते हैं, तो उसमें एक शब्द सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आएगा वो सिंपल, सिंपल फुटबॉल, समझ रहे हो? रियल मैड्रिड भाई डॉन कार्लो के अंदर, यहाँ पे इसमें दम है उसके, प्लान बनाया सिटी के खिलाफ कि एक गोल उसको मिल भी गया उसके बाद तो उसका प्लान और भी पक्का हो गया वो, कि अब बैठ जाओ बस, अब बैठ जाओ, पीछे स्पेस मत दो बिल्कुल, और टाइट डिफेंस रखो, वन खेलो 90 मिनट भाई, हिम्मत चाहिए यार। जो सिटी लास्ट के 15 मिनट में कर रही थी ना,
हर एक फैंस के, रियल मैड्रिड की हर एक फैंस की फटी होगी, लेकिन वहाँ पे भी डॉन कार्लो अपना प्लान नहीं भूला, प्लान जारी रखा। और सिटी क्या कहूँ, हग यही कहूँगा। एंड फिर एक और मैसेज देना चाहूँगा सिटी फैंस के लिए, जो कि बहुत जल्दी, मतलब इतना ज़्यादा भी नए नए फैंस है कुछ, और इतना ज़्यादा जो है स्ट्रगल नहीं देखे, मतलब जैसे चेल्सी के साथ जो हो रहा है, मैड्रिड के साथ जो हो रहा है, बार्सिलोना के साथ जो हो रहा है, वो नहीं देखे हैं। क्योंकि जो ये जो फैंस है, बार्सिलोना वाले, चेल्सी वाले और यूनाइटेड वाले, उनकी आदत हो चुकी है, तो वो धीरे धीरे समझते हैं। बट सिटी वाले फैंस की आदत नहीं हुई है, वो पिछले साल ट्रेबल जीतते आए हैं, इस बार और हाइप थी और होप थी। सो उनको कहना चाहूँगा कि भाई फुटबॉल है, होता रहता है, फुटबॉल में हैंडल करना सीखना पड़ेगा। जब आप जीत में खुशी बनाते हो, तो जब हार में दुख बनाना पड़ जाए, तो भी उस चीज़ को स्वीकार करो, सिंपल बात है। और अब फ्रॉड, कॉडियोला, स्कैम, ये सब चीज़ें बोलना, मन मिलाना बंद करो, रिस्पेक्ट करो भाई। अगर तुम्हारे मन में ही इन प्लेयर्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, सो हाँ कुछ प्लेयर्स हैं, देखो मैं हालांकि न्यू प्लेयर है, वो मैं हालैंड को इतना वो नहीं मानता हूँ, मतलब हालैंड को मैं गाली देता हूँ, सिंपल एज दैट। बट मेरे क्लब में जो जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने मेरे क्लब को हमेशा सेव किया है, जैसा केविन डी ब्रून हो गया, ब्रॉडरी हो गया, पेप गार्डियोला, सो हमेशा इनके लिए मेरी रिस्पेक्ट रहती है। और इनकी एक दो गलती जो है वो मैं माफ़ी कर देता हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तो अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि बस अब हार गया ना, तो अब हो गया, अब बंद करो सब चीज़ें, अब हार गए तो हार गए, वो हम कमियां भले निकालेंगे, मतलब जो भी क्रिएटर्स होंगे सिटी के, वो तो भाई उनका जो यूट्यूब चैनल है वो तो इसी से चलेगा कि जब सिटी हारे तो उसकी कमियाँ निकालें, बताएं। कमियाँ एक अलग बात है निकालना, लेकिन गाली देना और ट्रोल करना और ये सब करना एक अलग चीज़ है ना, कमी निकलना अलग चीज़ है, लेकिन ये सब करना बंद करो, गाली देना ये सब, सिंपल है, सिंपल एज डैट। और हो गया, अभी प्रीमियर लीग है, अभी एफए कप है, बिलीव रखो अपने क्लब के ऊपर भाई, कि अगर तुम अभी भी बिलीव नहीं रख पा रहे हो, और तुम्हारा क्लब सेकंड बेस्ट क्लब इनका यूरोप है, हाँ सेकंड के, फर्स्ट तो भाई रियल मैड्रिड, ऑफकोर्स यार, अगर इस बार सिटी हरा देती दिन में मान लेता सिटी बेस्ट क्लब इन यूरोप है, लेकिन नहीं नहीं रियल मैड्रिड ऑल टाइम की बेस्ट है ये, लेकिन जो प्रेजेंट में है, जो कि सिटी उसके साथ कम्पीट करती थी, प्रेजेंट बेस्ट क्लब इन द यूरोप रियल मैड्रिड है, एज सिंपल एज दैट। तुम नहीं कर सकते डिबेट, तुम चाहो भी तो भी नहीं कर सकते, हार जाओगे भाई। रियल मैड्रिड इज द बेस्ट क्लब इन द यूरोप राइट नाउ, और ऑल टाइम तो है। सो या क्या करें भाई, हार गए तो हार गए, सहो हार को, सहो। और अभी चेल्सी से मैच होने वाला है, एफए कप का सेमीफाइनल ही है ना, तो देखते हैं वहाँ पे जीतेंगे, और फिर दो ट्रॉफी भी बची है, प्रीमियर लीग और एफए कप, देख प्रीमियर लीग को जीत गए तो मज़ा आ जाए, बाकी देखते हैं। और एक बार लास्ट में भाई, सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, 3 साल से देखते हुए आ रहे हैं, कोई बोर नहीं हुआ है। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं एक बार बहुत चाहता था देखना, और मैं बोर बिल्कुल नहीं हुआ, मेरा पेट नहीं भरा है। और अगले साल अगर होता है दोबारा से रियल मैड्रिड वर्सेस सिटी, मैं चाहता हूँ अगले साल फिर से हो, क्वार्टर फाइनल्स में हो, राउंड ऑफ 16 में हो, सेमीफाइनल में हो, जब भी हो बस हो, और अच्छा लगेगा जब सेमीफाइनल में होगा, समझ रहे हो, बिकॉज क्वार्टर फाइनल्स में, मतलब एज अ न्यूट्रल, तुम सिटी फैंस हटा दो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, रियल मैड्रिड फैन तुम हटा दो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ न्यूट्रल देखो ना, तो न्यूट्रल एक फैन जो न्यूट्रल होगा, जिसके लिए किसी भी क्लब के लिए हेट नहीं होगा, तो वो नहीं चाहता कि दो इतने बड़े क्लब, ये लीग के टूर्नामेंट के दो इतने बड़े क्लब में से कोई एक क्लब बाहर हो जाए क्वार्टर फाइनल, नहीं चाहता भाई, एटलीस्ट सेमीफाइनल तो जा ही जाए, है ना। बट ये हो गया, एक को बाहर होना ही था और सिटी हो गई बाहर, बट ठीक है भाई, क्या राइवलरी देखने को मिली है भाई, बेस्ट बेस्ट जब भी मैच होता है सिटी, तो मतलब अगर सोचो कि जब भी दो टीम, इन दोनों टीम के बीच में मैच होता है, तो रियल मैड्रिड फैंस की अलग टेंशन बनी रहती है, सिटी फैंस अलग टेंशन में रहते हैं,
भले कोई ये बोले कि मेरा क्लब जीत रहा है, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन टेंशन हमेशा बनी रहती है। ये गेम हमेशा उस मोड में आ जाता है जब बहुत ज़्यादा टेंस होने लगता है ना। तो ये है ब्यूटी ऑफ फुटबॉल और ये है ब्यूटी रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी गेम की। हमेशा से 3 साल पिछले हम लोग देखते आ रहे हैं, पिछले 2 साल से देखते हुए आ रहे हैं, 1 साल इस बार देखे हैं, टोटल 3 साल हमने देखा है। और ये गेम हमेशा अपने को एक्साइटमेंट दिया है, प्योर जॉय दिया है, फुटबॉल की बहुत सारी नॉलेज दी है कि कैसे फुटबॉल खेलते हैं। रियल मैड्रिड ने तो बिल्कुल हमें ये बताया कि फुटबॉल को कैसे खेला जाता है बेसिकली और सिंपल वे में। सो बहुत अच्छा गेम भाई, बहुत अच्छा गेम। वी होप कि अगले साल भी रियल मैड्रिड सिटी हमें देखने को मिले। और न्यूट्रल फैंस के लिए तो क्या मजे होते होंगे भाई, दे फील द गेम, दे फील द गेम। एंड हमारे लिए टेंशन की बात होती है क्योंकि मैं सच बताऊँ, कोई भी सिटी फैन हो अगर वो सच्चाई से बताए तो रियल मैड्रिड को फेस नहीं करना चाहता है, और कोई भी रियल मैड्रिड फैन हो वो सिटी को फेस नहीं करना चाहता है। क्योंकि मैं भले बोल दूँ कि मैं नहीं डरता रियल मैड्रिड से, जब लेकिन जब मैच होता है, जब गेम होता है, तब फटती है, तब फटके चार होती है। और क्या गेम देखने को मिला भाई, थैंक यू जैसे लिवरपूल सिटी देखने को मिलता है, वैसे उससे भी अच्छा सिटी और रियल मैड्रिड देखने को मिला है, और क्या ही चाहिए। बाकी अगर थोड़ा न्यूट्रल में देखूँ तो मैं भाई और भी फैंस को देख रहा था वॉच अलोंग में, उनके थोड़ा रिएक्शन देख रहा था भाई सब, मतलब हमारी तो ठीक है सिटी और रियल मैड्रिड फैंस के अलग, तो जो न्यूट्रल है भाई उनकी भी फटी हुई थी। जब वो 120 मिनट तक गेम जा रहा था, जब एक्स्ट्रा टाइम हो रहा था भाई, सब तब सबकी फटी हुई थी लिटरली भाई, सब बोल रहे थे, सब मतलब डरे हुए थे, लग रहा था क्या होने वाला है ये। सोचो कितना गेम में एक्साइटमेंट था, कितनी गेम में पावर थी, क्या एनर्जी थी कि यहाँ पे बैठ के फटी हुई थी सब क्यों भी न्यूट्रल की। सो ये है फुटबॉल भाई, ये है स्पोर्ट्स, यही पावर है उस स्पोर्ट्स के अंदर कि तुम्हें बैठे बैठे कोसों मील दूर से तुम्हारे इमोशंस को बाहर ला सकता है। और क्या गेम देखने को मिला, एक बार फिर से कहूँगा, एक एक स्कोर लाइन थी, 2 गोल सिर्फ आए, लेकिन वो गोल भाई, जिसने ये गेम देखा है, रियल मैड्रिड फैन हो, सिटी फैंस हो, न्यूट्रल फैंस हो, दे फील द गेम, मतलब वो ऐसे फील कर रहे थे जैसे वो स्टेडियम में ही हों, दे फील द गेम। सोचो वो स्क्रीन पे उस गेम को फील कर रहे थे, सिर्फ एक एक गोल स्कोर लाइन थी, कोई ज़्यादा गोल भी नहीं, लेकिन वो फील कर रहे थे उस गेम की। दिस इज़ द पावर ऑफ टू बिग टीम, जब दोनों आपस में टकराती हैं, दिखा दिए दोनों टीमें कि हम दोनों पे बहुत दम है, दो बेस्ट टीम, फर्स्ट नंबर पे रियल मैड्रिड है, सेकंड नंबर पर ओबियस सिटी। जब टक्कर होगी दो बेस्ट टीम की तो फिर ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ऐसे ही इमोशंस निकलते हैं बाहर। एंड भाई भले सिटी हार गई हो, लेकिन वी आर लकी कि हमने बेस्ट टीम देखा है, और पिछले 2 सालों से भी इस मैचेस को देख के आए, मतलब लकी हैं भाई फुटबॉल फैन, सब लकी हैं, जो नए नए आए होंगे, जो सोचो अगले साल फुटबॉल फैन बनेंगे तो सो वो इस चीज़ की वैल्यू कभी नहीं समझेंगे जो हमने देखा। तो अपने को लकी फील करो सिटी फैंस, मैड्रिड फैंस ऑफ कोर्स लकी फील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही खुश हैं। एंड न्यूट्रल फैंस के लिए तो भाई पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना रहता है बस, क्या मज़ा आई है भाई। यूसीएल अपने प्राइम पे, पीक पे, एंड थैंक यू यूसीएल कि हमें ऐसे ड्रॉ तुमने दिया और हमें ऐसे मैचेस देखने को मिले, और क्या कह दूँ। तो बाकी प्रेडिक्शन के लिए यार गलत हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। पेनाल्टी में सच में जब पेनाल्टी का गेम गया तब मुझे लगा कि अब तो मेरी प्रेडिक्शन गलत होने वाली है, और हो भी गई, क्योंकि 120 मिनट में तो कॉन्फिडेंस था कि सिटी जीतेगी इस गेम को, जीत नहीं पाया, ड्रॉ की, एक बार के लिए लगा कि शायद आज पेनल्टी में जीतना लिखा हो, लेकिन फिर जो उससे भी ज़्यादा उस थॉट को जो शेडो कर रहा था वो ये थॉट था कि पेनल्टी में तो सिटी हारने वाली है। बट चलो ठीक है, जो हुआ वो अब आगे देखते हैं, प्रीमियर लीग अभी बची है, एफ ए कप बचा है, उसमें एक्साइटमेंट लाते हैं। फिर बाय, मिलते हैं।